Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the phrasal verb. Phrasal verb means what? आपने सुना होगा. Phrasal verb उसको बोलते हैं जो verb के साथ अगर हम किसी preposition का इस्तेमाल करते हैं, वैसे words, वैसे verb जिसके साथ किसी भी preposition का इस्तेमाल हो या जुड़ा हो उससे, तो उसको हम phrasal verb बोलते हैं. Okay friends? तो आज हम उसी phrasal verb के बारे में सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं और उसे हम सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने एक फ्रेजल वर्ब यहां पर लिखा हुआ है, गेट. गेट से बहुत सारी प्रीपोजिशन जोड़कर अलग अलग वर्ड्स बनते हैं और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम गेट से प्रीपोजिशन को जोड़कर एक फ्रेजल वर्ब बनाकर उसके साथ हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो आप सीखना बहुत इजी है, बस आपको ये समझना जरूरी है. यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर याद करना पड़ेगा आपको. ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे गेट इन, गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट डाउन, गेट अवे विथ, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद कर लेने पड़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है. फ्रेजल वर्ब इसी को बोलते हैं. जैसे यहाँ पर गेट है, गेट के साथ इन जुड़ा है, ऑन जुड़ा है, मीन्स प्रीपोजिशन जुड़ा है. किसी भी वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है तो वैसे वर्ड्स को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका हम सेंटेंस बनाते हुए सीखते चलते हैं. गेट इन और गेट ऑन का मतलब होता है किसी वाहन में चढ़ना, मतलब इसको हम इंग्लिश में टू बोर्ड व्हीकल्स भी बोल सकते हैं. दूसरा इंग्लिश इसका टू बोर्ड व्हीकल्स. ओके, तो गेट इन और गेट ऑन, जैसे कि हम सेंटेंस बोलेंगे कि एज सून एज द बस केम आई गॉट इन टू द बस, जैसे ही बस आई मैं बस में चढ़ गया. ही गॉट इन टू द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ गया. ही गॉट ऑन द बाइक, वो बाइक पर चढ़ा. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम सेंटेंस में इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं. अभी है दूसरा, गेट ऑफ और गेट डाउन. गेट ऑफ और गेट डाउन का मतलब होता है उतरना. गेट इन और गेट ऑन का मतलब चढ़ना किसी वाहन में, और गेट ऑफ और गेट डाउन का मतलब होता है किसी वाहन में वाहन से उतरना. ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपली, जैसे हमने चढ़ने वाला सेंटेंस बनाया उसी तरह से गेट इन की जगह गेट ऑफ लगा देंगे. जैसे आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतरा. ही गॉट डाउन द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा. ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे है गेट अवे विथ, मीन्स बच निकलना. इसका दूसरा इंग्लिश होता है टू एस्केप. ओके फ्रेंड्स, गेट अवे विथ मतलब बच निकलना, और इसका दूसरा इंग्लिश होता है टू एस्केप. तो इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे. हिज ब्रदर गॉट अवे विथ द प्रॉब्लम्स, उसका भाई सजा से बच निकला. ओके फ्रेंड्स, अभी आगे है, अब आगे है गेट अप. गेट अप को हम इंग्लिश में टू वेक अप भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है जगना या उठना. तो इसका हम सिंपली सेंटेंस आप भी जानते होंगे, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ. ही गेट्स अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह में 8 बजे उठता है. ओके फ्रेंड्स, आगे है गेट अलोंग विथ, मतलब किसी के साथ संबंध बताता है ये गेट अलोंग विथ. तो इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ही गेट्स अलोंग विथ ऑल हिज क्लासमेट, सभी सहपाठियों के साथ उसका अच्छा संबंध है. ओके फ्रेंड्स, अभी है गेट आउट ऑफ. गेट आउट ऑफ, इसको इंग्लिश में हम टू लीव फॉर आउटसाइड भी बोलते हैं, मीन्स बाहर निकलना. जैसे इसका हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे कि गेट आउट ऑफ माई होम, मेरे घर से बाहर निकल जाओ. या he wants me to get out of his house, वो चाहता है कि मैं उसके घर से बाहर निकल जाऊं. ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है गेट ओवर. गेट ओवर मतलब टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, किसी भी परेशानी या किसी भी समस्या से बाहर निकलने को गेट ओवर बोलते हैं. तो हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं, he could somehow get over his problem, वह किसी तरह से अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाया. ओके फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेजल वर्ब गेट का इस्तेमाल,
जब गेट के साथ किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड्स जो बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स जो है ना, इनको याद करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। आप इसको याद ही कर लो तो अच्छा है, याद रहेगा तो सेंटेंस आप अपने आप बना लोगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।